बीजापुर में बीती रात तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडी मरका के जंगलों में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आने से दो जवान शहीद हो गए। वहीं चार जवान भी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ऑपरेशन से लौटते वक्त पाइप बम में ब्लास्ट किया गया, जिसमें एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरत लाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह शहीद हुए हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के मध्य सीमावर्ती इलाके में लगातार दरभा डिवीजन, पश्चिम बस्तर डिवीजन और मिलिट्री कंपनी नंबर 2 के माओवादियों के होने की जानकारी मिलने के बाद 16 जुलाई को एसटीएफ, डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की टीमें संयुक्त अभियान पर निकली थी। सर्च ऑपरेशन के बाद 17 जुलाई की रात सुरक्षा बलों की वापसी के वक्त बीजापुर के तरेम एरिया में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया। बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बीजापुर में नक्सलियों द्वारा किए आईईडी ब्लास्ट में दो जवानों की जान चली गई है, चार जवान घायल है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर अस्पताल भेजा गया है। करीब हमारी संयुक्त टीम थी, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा प्लस सीआरपीएफ एसटीएफ की टीम थी जो ऑफ निकली हुई थी, जिस पर वापसी के वक्त में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें दो जवान शहीद हुए, सत्येश सिंह और भरत साहू। चार जवान घायल हैं जिनको रायपुर रिफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। 3 जिलों के संयुक्त अभियान थे, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की। और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी मरका है उस जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें दो एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और चार जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्येश सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं, एक नारायणपुर के हैं, एक रायपुर के हैं। और बहुत ही दुखद घटना है। और चार जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है, उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रिफर किया जा रहा है। देखिए, अभी ये डिस्क्लोज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है, मैं बाद में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बट ये हमें अच्छी सूचना थी कि बस्तर डिवीजन के लोग वहाँ उपस्थित हैं, जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर, पहले की तरह जवान लौटते थे और एम्बुश किया जाता था, इस बार घटना में अभी कुछ देखने मिला, आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, वास्तव में नक्सली अब पूरी तरह से पीछे हट गया ऐसा लग रहा है। देखिए, ये तो उनका टैक्टिक्स है, गुरिल्ला वारफेयर में जब वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आईडी का सहारा ज्यादा लेते हैं। तो जिस हिसाब से पिछले कई महीनों से देखने को मिला है आपको कि आईडी के ब्लास्ट ज्यादा हो रहे हैं, जवानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है आईडी के द्वारा, तो ये उनकी एक टैक्टिक्स है जिसमें आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं।